हेलो दोस्तों, आज हम सबक ग्राइड में EKYC करते हैं। तो दोस्तों, अपने पहले ब्राउज़र ओपन करने के बाद CSC लॉगिन कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर लॉगिन का आइकन नज़र आ रहा है दोस्तों, तो लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों लॉगिन हो रही है अपनी आईडी। अब यहाँ पर दोस्तों सर्च बॉक्स पर सर्च करेंगे समग्र समग्र। यहाँ पर देखो समग्र EKYC लिखा रहा है दोस्तों, इसमें क्लिक किया। आगे दोस्तों यहाँ पर लगा है डिजिटल सेव EKYC, तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे सर। ये अब यहाँ पर दोस्तों अपन डालेंगे ग्रा जिसकी हमें KYC करनी है दोस्तों, तो उसके समग्र आईडी डालेंगे और सबमिट कर देंगे दोस्तों यहाँ पर अपन। यहाँ पर ओके कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अपन आप आ चुके हैं डायरेक्ट सर समग्र पोर्टल पर। तो यहाँ पर कैप्चर अपन डालेंगे दोस्तों BA4S, उसको हम कैप्चर को डालते हैं दोस्तों। इसके बाद अपन खोज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, तो अपना ये आ गया है। नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों OTP के लिए मोबाइल नंबर अपडेट कर देते हैं दोस्तों इनका। तो मोबाइल नंबर इनका डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों OTP में सेंड, ये दोस्तों OTP सेंड हो गई है। अभी दोस्तों OTP का वेट करेंगे अपन दोस्तों। जैसे ही दोस्तों OTP आएगी अपने यहाँ पर फिल कर देंगे और अनुरोध करेंगे दोस्तों। दोस्तों OTP आ गई है, तो OTP भंडार के यहाँ पे सबमिट करते हैं दोस्तों। तो ये देखते हैं दोस्तों उनकी डिटेल्स नाम वगैरह आ गया है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे आधार पर सेलेक्ट करके यहाँ पे दोस्तों आधार नंबर डालेंगे इनका। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों अपन यहाँ नीचे लिखा है बायोमेट्रिक पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं यहाँ पे चेक बॉक्स को मार्क कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पे फिंगर मंत्रा डिवाइस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ दोस्तों कैप्चर हो रहा है, देखो दोस्तों कस्टमर का फिंगर लगा है जिसकी KYC हो रही है दोस्तों। कैप्चर फिंगर कैप्चर सक्सेस हो गया दोस्तों। अपन यहाँ पे वैसे थर्ड गेट पर करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये देखो दोस्तों उसकी पूरी जानकारी हो गई है दोस्तों। तो यहाँ पर अपन राइट में दोनों चेक बॉक्स में टिक मारते हैं दोस्तों। अपने यहाँ पे जानकारी मिला दोस्तों और यहाँ पे अनुरोध भेजते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो अपनी EKYC सक्सेसफुल हो गई है दोस्तों। ये पेंशन धारियों के लिए भी है दोस्तों और अन्यथा के लिए भी है दोस्तों। जो कोई EKYC होनी चाहिए तो सभी की होती है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।